हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस माय मायसेल्फ सीएम मनोज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रेंड्स कुछ लोगों ने सवाल किया है कि अगर 31 मार्च 2018 से पहले उन्होंने अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा दिया है या फिर कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर दिया है तो क्या ऐसे में उनको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत है whether a taxpayer shall be required to file gstr9 even though his registration has been cancelled before 31st of March 2018 whether answer remains the same if his application for cancellation was pending as on 31st March 2018 to agar aapne 31 March 2018 se pehle GST registration cancel kara diya hai ya fir aapne 31 March 2018 se pehle registration cancellation की application move कर दी है और आपकी वह application 31 मार्च 2018 को पेंडिंग है तो ऐसे में क्या आपको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स आंसर देने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए अगर आप जीएसटी और इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स फ्रेंड्स अगर हम जीएसटी एनुअल रिटर्न्स की बात करें

2017 18 में जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड था भले ही उसका रजिस्ट्रेशन 31 मार्च 2018 से पहले कैंसिल कर दिया गया हो या फिर उसने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया हो दोनों ही सिचुएशंस में उसको जीएसटी एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 9 हेंस इवन इफ द स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर इज नॉट रजिस्टर्ड एज ऑन 31 मार्च

आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं हम कोशिश करेंगे उसको वीडियो के जरिए या फिर कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई आपको प्रोवाइड कर सके तो आई होप फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी देखते रहिए लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए हमारे चैनल ओला अबाउट टैक्सीज को